नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। शहर में युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले MBBS छात्र नवीन शेखरप्पा का पार्थिव देह 21 मार्च को बेंगलुरु पहुंचेगा। नवीन के पिता शंकरप्पा ने बताया कि गांव में वीराशैव परंपरा से पार्थिव शरीर का पूजन करके उसे देवनगढ़ी के SS अस्पताल को मेडिकल स्टडीज के लिए दान किया जाएगा। नवीन कर्नाटक के हवेरी जिले के रहने वाले थे। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्कीव में गोली लगने से उनका निधन हो गया था। वहीं नवीन के पिता शंकरप्पा ने बताया कि मेरा बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम उसके शरीर का उपयोग कर अन्य मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए हमने चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपने बेटे का शरीर दान करने का फैसला किया है। वहीं शंकरप्पा ने बताया कि नवीन का शव सोमवार को सुबह 3 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। वहां से सुबह 9 बजे तक शव हमारे गांव पहुंच जाएगा। फिर हम वीराशैव परंपरा के अनुसार पूजा करके उसे जनता के दर्शन के लिए रखेंगे। इसके बाद शरीर को मेडिकल स्टडीज के लिए SS अस्पताल देवनगिरे को दान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने किया गांव आने का वादा। शंकरप्पा के पिता ने बताया कि हवेरी जिला कलेक्टर कार्यालय और अमीरात उड़ान सेवा से नवीन की पार्थिव देह आने का मैसेज मिला है। कम से कम हम खुश हैं कि हमारे बेटे का शव वापस लाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुझसे बात की है और बेंगलुरु हवाई अड्डे और गांव आने का वादा किया है। इसी के साथ MBBS के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गोदर कर्नाटका के हवेरी जिले के रहने वाले थे। खार्कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21 साल का नवीन खाना खरीदने के लिए कतार में खड़े थे, तभी रूसी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नवीन के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है।